बालों को छाछ से धोने का क्या है लाभ, इस वीडियो के माध्यम से इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। बाल धोने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हम रूटीन में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन एक विशेष चीज जो लगभग सभी ने देखी है कि जब तक हमारे यहाँ नेचुरल चीज़ों का प्रयोग बाल धोने के लिए होता रहा, तब तक बालों की जो समस्याएं हैं वो बहुत कम हुई लोगों को। बाल पकते भी जल्दी नहीं थे, गिरते भी जल्दी नहीं थे, डैंड्रफ भी ज़्यादा नहीं होता था, सिर में खुजली का रोग भी ज़्यादा नहीं होता था। तो उसका कारण क्या था कि पहले जो लोग थे वो बालों को नेचुरल चीज़ों से धोते थे, और उसमें लस्सी का भी अपना एक रोल था। लस्सी से सिर धोने में प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा मिलता है बालों को? अब हम बालों की ज़्यादातर समस्याओं के कारण पे जाएंगे तो हम देखेंगे ज़्यादातर समस्याओं का कारण होता है कि ऊपर की जो हमारी स्कल की जो चमड़ी होती है उसमें कमी आ जाना, जिसकी वजह से हमारे जो पौष्टिक तत्व ऑयल से या किसी चीज़ से अंदर जाने चाहिए वो ना जाना, और हेयर रूट्स को पूरी मात्रा में हमारी जो भाई है एयर है ऑक्सीजन है उसका ना मिलना, जिससे वो रूट जल्दी सूख जाती है, सिकुड़ जाती है और बाल हेयर फॉल हो जाता है या हेयर पक जाता है। इसमें अगर मैं आयुर्वेद के मूल में जाके आपको बताऊं कि बाल जो है वो हड्डी का मल भाग होता है, अस्थि जो होती है हमारे शरीर के अंदर, अस्थि धातु जो होती है उसके मल भाग के रूप में बाल होता है, और अस्थि क्षारीय होती है, वायु गुण होता है उसके अंदर, वात प्रधानता होती है अस्थि के अंदर। इसलिए बालों को गिरने में जो मेन भूमिका होती है वो वायु की होती है, और वायु का रुक्षता गुण जो है, रुखापन जो गुण है वायु का, उसका मेन पार्टिसिपेशन होता है हेयर के रोगों में। और इसके साथ साथ क्षारीयता, क्योंकि अस्थि में क्षारीयता होती है इसलिए वहाँ पे क्षारीयता ज़्यादा होती है, क्षार जो है ना वो जम जाते हैं हेयर रूट्स के आसपास, जिसकी वजह से हेयर रूट्स का सर्कुलेशन कम हो जाता है और हेयर फॉल हो जाता है या हेयर पक जाता है, बाल पक जाता है। अब लस्सी उसमें क्या रोल अदा करती है? लस्सी बाई नेचर एसिडिक होती है, और अगर लस्सी को हम थोड़ा सा धूप में रख के खट्टा कर लें तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और जब लस्सी को हम बालों में अप्लाई करते हैं तो एसिड और एल्कली दोनों जब मिलते हैं तो एक उसमें साल्ट पैदा होता है, और जब वो साल्ट पैदा होता है तो वहाँ से हट जाता है, क्योंकि वो एक स्थूल रूप में आ जाता है और वो उखड़ जाता है वहाँ से, लस्सी के साथ जब वो क्षार मिलता है तो वो वहाँ से हट जाता है और हमारी हेयर रूट्स जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। हेयर रूट्स के ऊपर जो क्षार का जो एक आवरण चढ़ा होता है वो हट जाता है, जिसकी वजह से जो लस्सी में स्निग्धता होती है थोड़ी मात्रा में, वो स्निग्धता अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, रूट्स में चली जाती है और वो हमारी हेयर रूट्स को पोषण करती है। और जब हेयर रूट्स ठीक से पोषित होती हैं तो नेचुरली हमारे जो बालों की समस्याएं हैं वो गंभीर नहीं होती हैं या होती ही नहीं है। ये लस्सी का हमारे बालों के लिए प्रयोग है। तो मैं आपसे एक साथ के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि आयुर्वेद का जो गुड ज्ञान है वो सभी लोगों तक पहुँच सके।